हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे नेटफ्लिक्स की एक शानदार मूवी वीवो, जहां एक पेट किंग काजू अपने मालिक की आखिरी विश पूरी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरू में हम एक एंड्रेस नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने पेट वीवो के साथ क्यूबा में स्ट्रीट म्यूजिक शो करता है। ये दोनों आपस में बात तो नहीं कर सकते, लेकिन म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। गाना गाते हुए वो लोगों को बताते हैं कि कैसे एंड्रेस ने वीवो की जान बचाई थी, और तब से वो दोनों एक फैमिली की तरह रहते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तभी एक दिन एंड्रेस को एक लेटर मिलता है जो उसकी एक पुरानी दोस्त मार्टा ने भेजा था। मार्टा मियामी की एक बहुत फेमस सिंगर है और अब रिटायर हो रही है। वो एंड्रेस को अपने आखिरी शो में एक साथ परफॉर्म करने के लिए बुला रही है। वहाँ मौजूद लोग यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और मियामी जाने के लिए एंड्रेस की पैसों से मदद करते हैं। यहाँ पता चलता है कि एंड्रेस और मार्टा एक टाइम में क्यूबा के सबसे फेमस म्यूजिकल कपल थे, जहाँ एंड्रेस पियानो बजाता था और मार्टा गाना गाती थी। एंड्रेस मन ही मन उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। फिर एक दिन मार्टा मियामी चली गई और एंड्रेस का प्यार अधूरा ही रह गया। लेटर के मिलने से उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, और वो वहाँ जाने का प्लान करता है। वीवो, जो अपनी यहाँ की लाइफ से बहुत खुश था, उसे यह अच्छा नहीं लगता और वो नाराज हो जाता है। तब एंड्रेस उसे बताता है कि कैसे उसने मार्टा के लिए गाना लिखा था, और वो उसे यह गाना सुना के अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ये सुनकर वीवो का दिल पसीज जाता है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह वीवो देखता है कि एंड्रेस उसे छोड़कर जा चुका है। वीवो इससे बहुत दुखी हो जाता है। एंड्रेस के फ्यूनरल पर फ्लोरिडा से रोसा अपनी बेटी गैबी के साथ आती है, क्योंकि एंड्रेस उसके हस्बैंड के अंकल थे। वीवो वहाँ गैबी से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके पिता भी मर चुके हैं। एंड्रेस की मौत से दुखी वीवो उसके आखिरी सॉन्ग को मार्टा तक पहुंचाने का प्लान करता है, लेकिन इसके लिए उसे मियामी जाना होगा। तभी वो गैबी को देखता है, जो वापस अपने घर जा रही है, और उसे एक आइडिया आता है। वो चुपके से उसके लगेज में छुपकर उनके साथ फ्लोरिडा आ जाता है। वहाँ रोसा गैबी को एक यूनिफॉर्म देती है, जो उसके गर्ल स्काउट ग्रुप $10 की है। ये ग्रुप कुकीज बेचकर पैसे इकट्ठे करता है, ताकि वो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम कर सके। गैबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि इससे वो कुछ दोस्त बना पाएगी। यही भी वो सूटकेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है और गैबी उसे देख लेती है। उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो खुद भी उसे अपने साथ लाना चाहती थी। वो उसे बताती है कि वो बाकी लड़कियों से अलग है और कोई भी उसकी फीलिंग्स नहीं समझता। वीवो उसे छोड़कर अकेला ही मियामी जाने लगता है, लेकिन एक बड़े से डॉगी से डर कर वापस आ जाता है। गैबी को एंड्रेस का वो सॉन्ग मिलता है और वो समझ जाती है कि वीवो मार्टा को ढूंढने यहाँ आया है। वो इस काम में उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो इंटरनेट से मैम्बो कबाना क्लब की टिकट्स कराती है, ताकि मार्टा से मिलकर वो गाना उसे देने में वीवो की मदद कर सके। इधर मार्टा भी क्लब में पहुंचती है। वो एंड्रेस के साथ परफॉर्म करने को लेकर बहुत खुश होती है। वीवो और गैबी भी बस स्टेशन आते हैं, लेकिन वहाँ सेंटोला ग्रुप की लड़कियाँ उसे देख लेती हैं। गैबी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वीवो दिखाती है और बताती है कि वो इसे बचाने में लगी हुई है। वो लड़कियाँ वीवो को देखते ही उससे इम्प्रेस हो जाती है और गैबी से उसे उनके हवाले करने को कहती है। तभी गैबी देखती है कि मियामी जाने वाली बस निकल रही है और वो वीवो को लेकर साइकिल से उसका पीछा करने लगती है। वो लड़कियाँ भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागती हैं। गैबी एक खुलने वाला ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैंड से भरी बार्ज में गिर जाती है। बैकी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और इवा की डैड की बोट से उनका पीछा करने को कहती है। बार्ज पर गैबी वहाँ पड़ी चीजों से एक बोट बनाती है और वो दोनों मियामी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रोज को गैबी के लैपटॉप से उनके मियामी जाने के प्लान का पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। गैबी और वीवो भी तैरते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां वो दोनों एंड्रेस का लिखा वो गाना गाते हैं। तभी एक भयानक तूफान आ जाता है और एंड्रेस का गाना हवा में उड़ जाता है। गैबी उस पेपर को तो पकड़ लेती है, लेकिन वो वीवो से अलग हो जाती है। गैबी को ढूंढते हुए वीवो एक बार डैन से मिलता है, जो सुसाइड कर रहा होता है। पता चलता है कि वो एक वैलेंटीना नाम की बर्ड से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल भाव नहीं देती। वीवो उसे इम्प्रेस करने में डैन की मदद करता है, लेकिन अपना प्यार पाते ही वो वैलेंटीना के साथ उड़कर वहाँ से चला जाता है। मियामी में एंड्रेस की मौत से अनजान मार्टा बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। उधर गैबी का सामना एक बार फिर से बैकी और उसकी टीम से होता है, जिनके हाथ किसी तरह एंड्रेस का सॉन्ग लग गया है। वो सॉन्ग के बदले उससे वीवो को ढूंढने में मदद मांगती है, ताकि उसे यहाँ
से बचाकर वापस ले जा सके। जंगल में वीवो का सामना एक बड़े एनाकोंडा लूटाडोर से होता है जो उसे खाने की कोशिश करता है। वीवो उससे बचकर भागता है लेकिन लूटाडोर उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक जगह वो वीवो को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी डैन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। जंगल के ऊपर उड़ते हुए उन लोगों को गैबी की आवाज आती है और पता चलता है कि लूटाडोर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वीवो वहाँ आकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर बड़ी चालाकी से उसे एक पेड़ में फंसा देता है। बेकी और दूसरी लड़कियां वीवो की बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और अपनी बोट से उन्हें मियामी ले जाने का वादा करती हैं। लेकिन यहां पता चलता है कि लूटाडोर से बचने के चक्कर में एंड्रिस का सॉन्ग पानी में गिरकर खराब हो गया है। वीवो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि वो एंड्रिस का आखिरी सपना पूरा नहीं कर पाया। इधर मार्टा को भी एंड्रिस की मौत की खबर मिलती है जिससे वो उदास हो जाती है और स्टेज पर जाने से मना कर देती है। बोट पर उदास बैठा वीवो वापस क्यूबा जाने की सोचता है लेकिन तभी वो गैबी को एंड्रिस का गाना गाते हुए देखता है। वो खुश हो जाता है क्योंकि एंड्रिस के गाने के म्यूजिक नोट्स उसे अच्छे से याद है और वो दोनों मिलकर एंड्रिस का गाना एक बार फिर से लिख सकते हैं। बेकी बोट से उन्हें मियामी की ओर ले चलती है और ये दोनों मिलकर वो गाना दोबारा लिखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गैबी और वीवो मैम्बो कबाना क्लब में पहुंच जाते हैं लेकिन तभी वहां रोस आ जाती है। इससे पहले कि वो गैबी को पकड़ पाए वो दोनों उससे बचते हुए क्लब के अंदर चले जाते हैं। वहां सिक्योरिटी से बचते हुए वो एक कॉरिडोर में आते हैं जहां गैबी वीवो को एक खिड़की से अंदर भेज देती है और खुद पकड़ी जाती है। वो वीवो को अकेले ही ये मिशन पूरा करने को कहती है ताकि एंड्रेस का सपना पूरा हो सके। वीवो किसी तरह मार्टा के रूम में आ जाता है और देखता है कि वो बहुत दुखी है। मार्टा भी एंड्रेस के फ्यूनरल की फोटो से वीवो को पहचान जाती है। तब वीवो उसे एंड्रेस का गाना देता है जिसे पढ़कर मार्टा बहुत भावुक हो जाती है। वो कहती है कि काश एंड्रेस ने अपने दिल की बात पहले बता दी होती क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। आगे वो वीवो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि एंड्रेस को उस पर बहुत नाज होगा। इधर रोसा गैबी को लेकर वापस फ्लोरिडा की ओर जाने लगती है जहां गैबी उसे सच्चाई बताती है। रोसा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वीवो क्यूबा में ही है। तभी वीवो वहां आता है और रोसा को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। गैबी अपनी माँ को बताती है कि जैसे एंड्रेस अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया वैसे ही वो भी अपने डैड से कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाई और इसीलिए उसने वीवो की इस काम में मदद की थी। उनकी बातों से इमोशनल होकर रोसा उन्हें वापस क्लब में ले जाती है जहां वो देखते हैं कि मार्टा एंड्रेस का ही गाना गा रही है। उनका मिशन पूरा हो चुका था और यह देखकर वीवो बहुत खुश होता है। उसने फाइनली एंड्रेस के प्यार का पैगाम मार्टा तक पहुंचा दिया था। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वीवो भी रोसा और गैबी के साथ फ्लोरिडा में ही रहने लगा है और उसमें और गैबी में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो दोनों फ्लोरिडा की सड़कों पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने लगते हैं जहां मार्टा भी उन्हें आकर ज्वाइन करती है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।